टीवी की चंद्रमुखी चौटाला के नाम से मशहूर अभिनेत्री कविता ने अपने एक ट्वीट के जरिए नेताओं को जमकर लताड़ा है। दरअसल दूरदर्शन पर कुछ दिन पहले ही रामायण का रिटेलीकास्ट शुरू हुआ है, जिसके बाद सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अपनी तस्वीर रामायण देखते हुए पोस्ट की और ऐसी ही एक तस्वीर केशव प्रसाद मौर्य, जो कि यूपी के उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी भी सामने आई। नेताओं के द्वारा इन तस्वीरों को पोस्ट किए जाने के बाद दूरदर्शन ने भी अपील की कि लोग अपनी तस्वीरें रामायण देखकर ट्वीट करें। कविता ने इस मुद्दे पर एक वीडियो भी जारी किया है, आइए देखते हैं उन्होंने इस वीडियो में क्या कहा। क्या हाल है सभी के? मेरा एक ट्वीट बड़ा वायरल हो रहा है और उसके कई मतलब निकाले जा रहे हैं। मतलब एक ही मतलब निकाला जा रहा है जो कि बिल्कुल बहुत ज्यादा बेवकूफाना और दिमाग में पड़ी हुई जहालत का संदेश देता है। मैंने एक ट्वीट किया कि जो हमारे देश के नेता हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो घर पर बैठकर रामायण देखने और दिखाने की सलाह दे रहे हैं। ना सिर्फ ये, वो ये भी कह रहे हैं कि भाई अपना अपना फोटो लेके, सेल्फी लेके रामायण के साथ आप जरा इसे पोस्ट कीजिए। साथ ही हम न्यूज़ में और सोशल मीडिया में ये भी देख रहे हैं कि इतने सारे माइग्रेटिंग मजदूर हैं जो अलग अलग शहरों से, अलग अलग गाँव से आते हैं, बिग सिटीज़ में आते हैं काम करने के लिए, घर बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के लिए। वो इस लॉकडाउन के चलते ना सिर्फ भूखे हैं बल्कि पैदल न जाने कितने 100 किलोमीटर्स का सफर तय करते हुए वो अपने घर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में हम सबको या हमारे नेताओं को ये नहीं चाहिए कि हम उनकी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दें और एक लॉकडाउन अनाउंस करने से पहले या उसके तुरंत बाद, नेताओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना कि लॉकडाउन के चलते नागरिकों के ऊपर कोई तकलीफ ना आए, एटलीस्ट भुखमरी ना हो जाए और लोग अपने अपने घर पहुंच जाएं। ये नेताओं का काम होता है ना, यही याद दिलाने के लिए कि भाई नेताओं का काम इस वक्त थोड़ी प्लानिंग करना है, लोगों के काम आना है, ना कि घर पर बैठकर क्या देखें और क्या दिखाएं। वो बातें कहने के लिए तो एक्टर्स हैं, टिकटॉक सेलिब्रिटीज भी हैं, इनफैक्ट आजकल तो हर कोई सेलिब्रिटी है। कोई भी अब मतलब एक पूजा, क्या कहेंगे उसको, ढिंचैक पूजा, ये बात तो वो भी कह सकती हैं और पूरी दुनिया उनकी बात ध्यान से सुनेगी कि भाई टीवी पे क्या कंटेंट देखें और कौन सी धार्मिक चीजें देखें। सिर्फ रामायण ही नहीं, बहुत सारी ऐसी धार्मिक पुस्तकें भी हैं जो सबको पढ़नी चाहिए। लेकिन नेताओं से ये उम्मीद की जाती है कि इस देश में जहां ऑलरेडी रिलीजन को लेकर एक बवाल बहुत टाइम से चल ही रहा है, आप लोग जरा